जाने IMD का पूर्वानुमान क्या है। मौसम से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। 11 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 29 से 30 जनवरी के बीच बारिश की गतिविधियां में तेजी देखने को मिलेगी। 29 से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश शुरू होगी और 30 जनवरी को गतिविधियों में तेजी आएगी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पंजाब के सुदूर इलाकों में शीतलहर, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में घने से बहुत घना कोहरा रह सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 48 घंटों तक घने कोहरे का पूर्वानुमान है। जाने अपने राज्य का हाल। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। आज शुक्रवार को 33 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। यूपी के 75 जिलों में 30 जनवरी तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी अभी 3-4 दिन बादल छाए रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार से मौसम बिगड़ने का अनुमान है। 29 व 30 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के लिए भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 29 जनवरी को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और 30 जनवरी से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान में 29 जनवरी से फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 13 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से 30 जनवरी को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और कोहरे का असर देखने को मिल सकता है।